brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. बेवक्त एक दर्द हुआ उसे, हाय कैसा दर्द, खून क्या कहा, खून क्यों कैसे, नहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं, ना कोई चोट ना कोई जख्म ना कोई हादसा, तो फिर ये अकस्माती खून। वो टीचर से कहे या पापा को बुलाए, नहीं नहीं शायद माँ को, वो खौफजदा होती जा रही है, आखिर कौन समझेगा ये वाक्या, किसे जाहिर करे वो एक बेदर्द बेइंतहा दर्द। आठवीं क्लास की इस लड़की को क्या कोई समझा सकता है, आखिर ये है क्या, कोई हादसा कोई मर्ज कोई चोट। स्कूल के मैदान में एक नीम के अकेले पेड़ के नीचे बैठी एक छोटी बच्ची, जिसने किताबों के सिवा भी कुछ नहीं देखा, उसे समझ आए तो कैसे आए। स्कूल की आखिरी घंटी की आवाज जहन में हजार सवाल, कपड़े पर एक दाग, किसको बतलाए किससे छुपाए, हर एक शख्स उसे घूरता जाए, कतरा ब कतरा खून रिश्ता ही जाए, खुदा को करे याद या माँ को बुलाए। धुंधली होती हर तस्वीर, मुसलसल बढ़ता वो दर्द, टूटते हौसले हिम्मत हुई परस्त, शर्म झिझक और उस पर एक दर्द, बस की आखिरी सीट वो पहुंची कर, मगर अब क्या, मगर अब क्या, पापा की फिक्र और नजरअंदाजी भी, माँ की घबराहट और वो बेचारी सी, कुछ इशारे और एक कपड़ा हाथों में, माँ बोली कुछ नहीं बस चल दी साथ में। हालात हुए काबू, दर्द हुआ खत्म, किसी तरह निकल गए वो तीन दिन, फिर वही खेलती कूदती जिंदगी, मगर इस बार बहुत से सवाल जहन में दे गए उसके, वो खून वो दर्द सब बेवजह था क्या, ये फिर से तो नहीं होगा कभी। ये सब सवाल उस हफ्ते से उसे डराते हैं, जिनके जवाब कभी नहीं दिए गए, मिले बस इशारे। मैं ये पूरा वाक्या स्कूल से लेकर घर तलक एक कोने में खड़ा होकर देख रहा हूं और आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ता जा रहा हूं, नजरअंदाजियां इशारों में बात, बोलने से हिचकिचा, क्या हमें खुलकर बात नहीं करनी चाहिए थी बजाय इशारों के। शुक्रिया।